बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़, और मेंटली बहुत मैं डिप्रेशन था वो चीज़। और मैं घर पे ही बात किया था, वही बात बोल रहे थे कि डैड का जो ड्रीम था वही पूरा कर, और पूरा करके आ। और मेरी फियांसी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि वो मुझे बैक किए और हमेशा वो मुझे मोटिवेट देते रही, तो बहुत बड़ा टीम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। तो आप जब हैदराबाद पहुंचे थे सीधा वहीं गए थे, कैसा लगा था आपको? हाँ, मेरे लिए तो बहुत इमोशनल है, मतलब मैं डैड के टाइम पे भी नहीं था तो मेरे लिए इमोशनल था। अब मैं आया डायरेक्ट ग्रेवयार्ड गया, डैड के कब्र पे फूल चढ़ाया। करेंगे क्या? हाँ, मैं कोसी भी विकेट ले रहा था, मैं डैड को डेडिकेट कर रहा था हर विकेट। मेरा और मयंक अग्रवाल का जो सेलिब्रेशन था वही था कि सेलिब्रेशन डैड को डेडिकेट करे वो सेलिब्रेशन हर विकेट। आप कभी सोचे थे क्या सीरीज शुरू होने से पहले कि 5 विकेट लेंगे, आप इंडिया के मेन बॉलर होंगे ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, बट टीम में इतने इंजर्ड होने से मतलब हर कोई मुझ पे ट्रस्ट कर रहा था कि अच्छा कर रहा है तो तू ही है, अभी लीडिंग बॉलर है अभी तो मेरे ऊपर प्रेशर था, बट चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि ये चीज़ करना, बट मेरे को चैलेंज करना बहुत पसंद था, तो मैं वही चीज़ पे मेरा काम था कि बस प्रेशर बिल्ड करे बैट्समैन के लिए और एक ही जगह एरियाज पे हिट करते जाए, कि मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर था कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूं, तो वही बेटर ऑप्शन था टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। स्मिथ का विकेट बहुत क्रूशियल था क्या मैच में? हाँ, स्मिथ का विकेट क्यों बोले तो मेरे हाथ से कैच भी छूट गई थी वो, तो मेरे लिए भी ऊपर प्रेशर था वो कैच छूटने पर। फिर जैसा मैं बॉलिंग पे आया और कॉटन बॉल में भी ग्रीन की कैच छूटी तो ज़्यादा प्रेशर था, फिर उसके बाद स्मिथ की विकेट मिलने से हमारी टीम के लिए भी हेल्पफुल हुआ और मेरे लिए भी ज़रा प्रेशर रिलैक्स हुआ। अभी क्या, अभी तो रिलैक्स नहीं होना है मुझे, और मैं इंडिया के लिए खेलते जाऊँ और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहूँ, यही है मेरा ड्रीम कि ज़्यादा रिलैक्स ना हो, ये परफॉर्मेंस की तरह मैं बस सोचूँ कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस गया, बट यहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँ मेरे परफॉर्मेंस को। जैसे आपने वहाँ का जो क्राउड था उनका जो आपने सुना उसको आपने हैंडल किया, क्या उससे ज़्यादा यहाँ पे मीडिया में आके आपको वो रियलिटी चेक दिख रहा है कि आप कितने बड़े हीरो हो गए हो और इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने आपको मॉब की बॉब भी किया होगा? हाँ, ये तो है कि वहाँ के ऑस्ट्रेलिया क्राउड भी मतलब अब्यूज़ करने लगे, तो मतलब वो चीज़ मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाई वो चीज़ के मेरे, और मैं वो चीज़ को लेके मैं गेम पे अफेक्ट होने नहीं दिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इट्स ओके, ये तो मीडिया है। तो अब जैसे ऑडियंस है अभी वहाँ पर, अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं जस्टिस मिलेगा या नहीं। जब मेरा जो काम था मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं अपने कैप्टन को बोला कि ऐसा अब्यूज़ हो रहा है मेरे लिए, तो जैसा ने अज्जू भाई ने भी बोला कि अंपायर बोल रहा था आप लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं, तो रहने भाई ने बोला कि नहीं हम लोग गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से रेस्पेक्ट करते हैं क्रिकेट को, हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग ही उन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे बोलते बोल। फेवरेट विकेट थी मानस लेभूषण की, क्योंकि जो वो सिचुएशन पे विकेट होना इम्पोर्टेंट था और मैं वो सिचुएशन पे ओवर में 2 विकेट लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे मानस लेभूषण की। पहले तो मैं वाइट बॉल जब मेरा डेब्यू हुआ था मैं ज़्यादा प्रेशर लेसनेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो अब जैसे जैसे मैं मैचेस खेलने गया तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा आईपीएल से, और जैसे आरसीबी ने मुझे बैक किया ये सिचुएशन पे जो मेरा इतना ख़राब सीज़न चल रहा था मेरा, और जो आरसीबी ने मुझे ट्रस्ट दिखाया और विराट भाई ने जो बैक किया मुझे, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंट की बात थी। और वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब बॉलर की चांसेस बहुत रेयर रहते हैं T20 में, तो मुझे हेल्पफुल हुआ ये T20 में, जैसे IPL में अच्छा परफॉर्मेंस गया। नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि एज ए मैं जूनियर ही हूँ अभी भी मैं ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, बस मैं यही सोचता हूँ कि जहाँ पर भी जाऊँ बस परफॉर्मेंस करूँ कि ये सीनियर है जूनियर है, ये नहीं सोचता हूँ, बस जुनून दिल से खेलता हूँ बस। मैं तो बस जब भी परफॉर्मेंस करता हूँ बस उनको ही मिस करता हूँ कि अभी आने से मिस नहीं, बट जब से गए वो मैं उनको जब भी उनको कॉल करने चाहता हूँ तो एकदम दिमाग में आता वो तो नहीं रहे अभी तो, बट बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बस उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए।